बागों के शहर में बारूद की बू, दहशतगर्दों का पाकिस्तान के दिल पर वार। लाहौर के मसरूफ तरीन बाजार नई अनारकली में धमाका, दो अफराद जान बहक, 30 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में रमजान और एक बच्चा अबसार शामिल। अमवात में इजाफे के खदशात। सुबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां अस्पताल पहुंची। अस्पतालों में डॉक्टर और तमाम स्टाफ मौजूद। बताया जख्मियों में से अक्सरियत के हाथ या बाजू टूटे। जले हुए लोग कम हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान भी अस्पताल पहुंचे। कहा जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। डीसी उमर शेर चटा कहते हैं सीसीटीवी कैमरों से मुलजिमान की तलाश जारी है। शहर के मसरूफ तरीन बाजार में धमाका, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाका दोपहर 1:45 पर बैंक के बाहर पार्किंग में हुआ। धमाके में टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 1.5 किलो के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। जाए वकुआ पर गढ़ा पड़ गया। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें तबाह, रेहड़ियां जल कर राख हो गयी। जख्मी जमीन पर पड़े कराहते रहे। मासूम लोगों पर हमला करने वाला कौन था? धमाके की जगह पर मशकूक हरकत करने वाले शख्स की निशानदही। मुबैना दहशत गर्द आया, बैग रखा, कुछ देर के लिए रुका और ठीक 4 मिनट बाद धमाका हो गया। पुलिस और हसास इदारों का वीडियोस की मदद से शनाख्त का दावा। मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तला। शहर के चप्पे चप्पे में सर्च स्वीपिंग। लाहौर धमाके का अम खराब करने की साजिश है, जिम्मेदार बच नहीं पाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सख्त रद्द अमल। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। राव सरदार की जेरे सदारत सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर में सूबे के बड़ों की बैठक। हर जाविये से तहकीकात। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, मुलजिमान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके पर अफसोस का इजहार। जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। मियां शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए। चौधरी शुजात ने कहा कि शहर का अमन खराब करने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही की जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी मजम्मत। मुतासिरा खानदानों से अफसोस। अनारकली पान मंडी में जिंदगी रवा दवा थी, कारोबार की गहमा गहमी थी। अचानक धमाका हुआ, पीछे मुड़कर देखा तो आग के शोले थे, जिंदगी सिसक रही थी। ऐनी शाहिदीन ने दर्दनाक मनाजिर बयान कर दिए। कराची जाने वाले की मंजिल कहीं और ठहरी। कराची से आए खानदान का कुछ देर के लिए लाहौर में क्याम। बच्चों ने अनारकली बाजार देखने की जिद की, क्या जानते थे आगे मौत खड़ी है। 9 साल अफसार के मामू की सिटी 42 से गुफ्तगू। आज हमने ट्रेन पे जाना था कराची, तो बच्चों ने कहा कि चलो नारकली बाजार देखते हैं। हमने सोचा कि चलो नारकली बड़ा मशहूर लाहौर का बाजार है तो बच्चों को दिखाते हैं। तो बच्चों को लेके हम लोग नारकली आ गए। खरीदारी करके हम लोग बाहर निकल रहे थे तो एकदम बड़ा जोर से धमाका हो गया। धमाका होने से सब लोग गिर पड़े। जब सब गिरे हैं तो भाई के सर पे चोट लग गई है, भाभी की टांग के ऊपर चोट लगी हुई है और जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है। उसके पेट में कुछ लगा है और कुछ उसको प्रेशर इतना था धमाके का कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका जी। कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासर। नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला। निसाब शॉर्ट करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी। नया तालीमी साल 8 माह का और 20% सिलेबस कम किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तालिब इल्मों की 50% हाजिरी। पहली से छठी जमात तक तुलबा एक दिन स्कूल आएंगे, एक दिन छुट्टी करेंगे। 7वीं से 12वीं जमात के बच्चों को 100% हाजिरी देना होगी। SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। लाहौर में कोरोना फिर से पंजे गाड़ने लगा। मजीद 1124 नए मरीज सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 14.3 रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। ओमिक्रोन के भी वार बढ़ने लगे। मजीद 30 अफराद ओमिक्रोन का शिकार। मरीजों की कुल तादाद 548 हो गई। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक भी कोरोना वायरस का शिकार। हर शहरी को मिलेगा फ्री मास्क।
वजीर आला ने फ्री मास्क तकसीम करने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत, वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, आईजी को मास्क फराहम किए गए। उस्मान गुजदार बोले, खसूसी मास्क कोरोना और स्मॉग से बचाव के लिए मौसर साबित होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की तारीफ, कहा फ्री मास्क मुहिम काबिले तकलीफ है। रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई का अलर्ट जारी। कल से बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, शहर में फिजाई आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 194 रिकॉर्ड। GCU के एतराफ, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 275। हॉकी स्टेडियम के एतराफ 199। टाउन हॉल के एतराफ 130 और टाउनशिप में 80 रिकॉर्ड। लेस्को के घरेलू सार्फीन के लिए खुशखबरी, नए कनेक्शंस के लिए मजीद 40,000 सिंगल फेज मीटर जारी। सिंगल फेज मीटर की तनसीब के लिए 4,00,000 मीटर केबल भी जारी। दिसंबर तक जिले इल्तवा घरेलू सार्फीन के कनेक्शन लगाने के अहकामात, मीटर्स डिमांड के मुताबिक सर्कल्स में तकसीम करने की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत की बुजरा के बाद अफसरान के लिए 52 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। रावी अर्बन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत। 5 डबल कैबिन, 4x4 डाले और कोरोला गाड़ियां खरीदी जाएंगी। दोनों अथॉरिटीज अपने बजट से गाड़ियां खरीदेगी। जजेस की रिहायश गाहों की सिक्योरिटी के लिए 1,12,00,000 के फंड मंजूर। DIG सिक्योरिटी लाहौर डिवीजन ने जजेस की रिहायश गाहों की सिक्योरिटी के लिए सिफारिशात भिजवाई थी। सिक्योरिटी के लिए 13 नए फाइबर कैबिन खरीदे जाएंगे। एक फाइबर कैबिन की कीमत 8,68,000 रुपए है। LDA ने सगिया रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस का टेंडर खोल दिया। सगिया इंटरचेंज से फूल मंडी चौक तक पैकेज 1 खालिद रऊफ कंपनी ने कम तरीन बिड दी। फूल मंडी चौक से फैजपुर इंटरचेंज, शेखुपुरा रोड पैकेज 2 हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने कम बिड दी। दोनों पैकेजेस 1.5 अरब लागत के फंड से तामील होंगे। LDA में अकरबा परवरी के इंतहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ओहदों की बंडर बांट, अलाउंसेज वसूली का जरिया बना लिया। डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर शहजादा जवाद कामरान को नवाजने के लिए कानून नजरअंदाज। डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर का गैर कानूनी 25,000 का अलाउंस लगा दिया गया। PSO2 सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की असामी तख्लीक किए बगैर ओहदा ले लिया। हेडक्वार्टर के अमले ने फैसला मिनट्स में हजफ किया। मीटिंग के फैसले को छुपाने का केस DG को भिजवा दिया गया। पहले ही LDA अफसरान की फौज जफर मौज भारी अलाउंसेज ले रही है। शहर के 9 जोन में 5,951 मैन होल्स के ढक्कन गायब। लाहौरियों की जिंदगी दांव पर लग गई। स्लैब्स और रिंग कवर भी मौजूद नहीं। MCL जोन की सर्वे रिपोर्ट ने इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेटर उमर शेर चट्ठा इंतजामिया पर बरहम, मैन होल्स कवर करने की हिदायत की। 10,000 मैन होल्स के ढक्कन खरीदने के अहकाम जारी। शालीमार जोन की 24 UC में 90 मैन होल्स कवर, 149 रिंग कवर मौजूद नहीं। रेस्क्यू में अरबों की बदउनवानी की इंक्वायरी 4 साल बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कई कमेटियां बनी, तफ्तीशी तब्दील हुए, मगर हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का मामला हल नहीं हो सका। बदउनवानी की हाई प्रोफाइल इंक्वायरी एंटी करप्शन के तफ्तीशी निजाम पर सवाल या निशान। सिनेमाघर और थिएटर ताहाल टैक्स नेट में रजिस्टर्ड न होने का मामला, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनल नोटिस जारी कर दी है। टैक्स कवानीन पर अमल न करने की सूरत में सील करने का इंदिया दे दिया। एसोसिएट डिग्री कॉमर्स और BCOM के दोनों पार्ट्स का रिजल्ट आ गया। पार्ट 1 में कामयाबी का तनासब 25% जबकि पार्ट 2 में 38% रहा। एनुअल 2021 के इम्तिहानी नतीजे का ऐलान किया गया। SHO से कांस्टेबल तक तकरीबन तबादले के नए SOPs जारी। SSP ऑपरेशंस और SPs SHOs को मॉटर या क्लोज लाइन्स नहीं करेंगे। कार्रवाई के लिए DIG ऑपरेशंस को रिकमेंडेशन भिजवाना होगी। किसी अफसर या एहलकार को 3 माह से कबल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। SHOs इंस्पेक्टर की तैनातियां DIG ऑपरेशन करेंगे। सब इंस्पेक्टर ASI मुहर्रर हेड कांस्टेबल के तबादले SSP ऑपरेशंस करेंगे। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने मरासा जारी कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट में सदादे स्मोक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने एलडीए को कसीरुल मंजिला इमारात पर पौधे न लगाने वाले मालिकान को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी पार्किंग करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना आयद करने का भी इंदिया। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जुडिशल वाटर कमीशन ने सदादे स्मोक के हवाले से इकदाम की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स आशियाना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की समाअत। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। तखीर से पहुंचने पर फाजिल जज का हमजा शहबाज पर बरहमी का इजहार। हमजा शहबाज का बरियत के लिए नई तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस से फायदा न लेने का बयान। अदालत ने हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। रमजान शुगर मिल्स आशियाना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए 90% डॉक्टर ना तजुर्बाकार। तिबी अमला जानता ही नहीं कि जख्मी का मुआयना कैसे करना है। मेडिकल लीगल के लिए डॉक्टर की तरबियत दौरानिये को 1 माह से बढ़ाया जाए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 13 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कत्ल इकदाम कत्ल केसेस के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए नए उसूल तय। डॉक्टर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में राय की वजूहात बताने का पाबंद होगा। अदालत के तिबी मुआयना कार की राय की वजूहात पर अलहदा से खाना बनाने की हिदायत। जाली दस्तावेजात पर गाड़ियां रजिस्टर करने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर की जमानत खारिज। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद नियो की जमानत पर हुक्म सुनाया। इंक्वायरी में डायरेक्टर इमरान असलम, कमरुल हसन, मुहिद आसिफ, सुहेल अरशद भी कसूरवार करार। मुलजमान ने 4,397 गाड़ियों की फाइल्स में खुटबुट की। 1 दर्जन से ज्यादा इंसानी स्मगलर्स के दायमी वारंट जारी। स्पेशल जज सेंट्रल का मुलजमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। इंसानी स्मगलर्स के शरीक 15 मुलजमान को जुर्माना। ताबर खास अदालत कैद की सजा। मफरूर मुलजमान के केस गिरफ्तारी तक दाखिले दफ्तर। रजा काराना 1924 रिटायर्ड PIA मुलाजमीन को मराआत न मिलने का इकदाम चैलेंज। चीफ एग्जीक्यूटिव PIA को दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसले का हुक्म। हाईकोर्ट ने 2 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। डिग्री पर अमल दरामद न करने पर बिलाल ट्रैवल कार्गो के मैनेजर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मैनेजर सरफराज को शो कॉज नोटिस भी जारी। आबिद मार्केट के मशहूर मंशा ने हर जाने का दावा दायर किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मरी की अपग्रेडेशन के लिए बड़े इकदाम। 19 नई पोस्टों पर अमला तैनात करने की तैयारियां। उस्मान गुजार की जेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बाय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। मरी में एडिशनल डेप्टी कमिश्नर के ओहदे पर अफसर तैनात करने की मंजूरी। मुतलिका स्टाफ, बजट और पुलिस का नया डिवीजन कायम करने। SP के ओहदे के ऑफिसर को तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तारीख देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 1 फरवरी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन इजलास में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन 15 मई को करवाने का ऐलान कर रखा है। जल्दी करें, जिम जाएं या वर्जिश करें। पंजाब असेंबली में मोटी तोंदों वाले सिक्योरिटी अफसरान की शामत आ गई। वजन और टोन कम करने के लिए 3 माह की डेडलाइन, फिर सजा मिलेगी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मोटी तोंदों वाले अफसरान को वार्निंग जारी कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सरदार अवैस लगारी, राणा इकबाल खान, रमजान भट्टी, सबा सादिक, समीउल्लाह खान की शिरकत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत नाअहल हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। अवाम हकीकत जान चुके हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। सब्जाजार में पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की जेरे सदारत तकरीब। सुन्नी उलमा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। चौधरी असलम गिल का पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले उलमा का खैर मकदम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर की जेरे सदारत इजलास।
मेंबर कॉलोनीज, मेंबर जुडिशियल, मेंबर इस्तेमाल और बहाली और मुतलिका अफसरान की शिरकत। इजलास में वागुजार करवाई गई। सरकारी अराजी मुस्बत इस्तेमाल और रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में सेक्रेटरी सेहत की खुली कचहरी। मुलाजमीन ने अपने मसाइल और शिकायत के मुतालिक आगाह किया। अफसरान को तमाम जेरे इल्तवा केसेस को जल्द अज जल्द मेरिट पर निपटाने की हिदायत। पाक फौज की जानिब से फ्री आई स्कैनिंग कैंप का इनेकाद। अलशिफा ट्रस्ट के तआवुन से दो रोजा मुफ्त कैंप लगाया गया। पाक फौज ने खवातीन और बच्चों समेत कुल 2,708 मरीजों को मुफ्त स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की। कैंप में मुस्तहिक अफराद में 570 चश्मे भी तकसीम किए गए। शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद विर की आज 5वीं बरसी। खालिद महमूद विर 20 जनवरी 2017 को शहीद हुए। शहीद सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद विर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कहना तायुनात थे। लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड साइंस की जानिब से फेयरवेल पार्टी। फार्मेसी और फिजिकल थेरेपी के फाइनल ईयर के तलबा में असनाद तकसीम किए गए।